इमरान राज में सीपेक बुरी तरह से डीरेल हो चुका है और सीधा नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। इमरान की डगमगाती कुर्सी में चीन के एंगल की पूरी पड़ताल अब अगली रिपोर्ट में आपके सामने। और ये इस महीने आई कुछ हेडलाइंस। इमरान का बयान और जमीनी हकीकत इस बात का सबूत है कि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक इमरान राज में पटरी से उतर गया है। इमरान के विरोधी खेमे से आ रहे बयान भी इस बात का सबूत है कि उन्हें गद्दी से उतारने की स्क्रिप्ट चीन में ही तैयार थी। विपक्ष का सीपेक की शान में कसीदे पढ़ना और इमरान पर सीपेक विरोधी होने का आरोप लगाना ये बताता है कि पाकिस्तान में कुर्सी की कुश्ती का असली रिंग मास्टर चीन ही है, क्योंकि इमरान राज में शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट न सिर्फ ठप हो गया है बल्कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही चीनी कंपनियों के अरबों डॉलर का भुगतान पाकिस्तान सरकार नहीं कर रही। इसका खुलासा इसी महीने चीन की एक कंपनी की लिखी चिट्ठी से होता है जो इमरान सरकार को भेजी गई थी। इस चिट्ठी में लिखा था, स्टेट ग्रिड ऑपरेशन ऑफ चाइना की सीईटी इकाई जो पाकिस्तान में काम कर रही है उसे अभी तक सिर्फ 875 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान की एनटीपीसी की देनदारी 1235 करोड़ रुपए की बनती है। अगर 24 मार्च तक ये भुगतान नहीं हुआ तो ये समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। ये इमरान सरकार को चीन की एक कंपनी की धमकी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चीनी कंपनियों के अरबों रुपए इमरान सरकार में फंसे हुए हैं। हाल ही में सीपेक के जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार पर चीनी कंपनियों के 230 करोड़ डॉलर बकाया हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 140 करोड़ डॉलर का भुगतान का वादा किया, लेकिन जब सरकार का बजट घाटा 3100 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया तो जाहिर है चीनी कंपनियों को पैसे नहीं मिलने वाले और चीन की नाराजगी की ये बड़ी वजह है। इमरान जो है वो आतंकवादी घटनाएं जो चाइनीज वर्कर्स के खिलाफ हो रही थी उसको भी नहीं रोक पाए और फौज के द्वारा किए गए करप्शन के ऊपर भी लगाम नहीं लगा पाए, तो इन दोनों के चलते चाइनीज ने अपना पैसा रोक दिया है वहां पर। सीपीईसी के रुकने से फौज भी नाखुश है और चाइनीज भी नाखुश है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका भी असर जरूर पड़ा है, लेकिन यही एकमात्र कारण है, ये गलत होगा कहना। कुर्सी के इस खेल में मामला सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि नीयत का भी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के जरिए अमेरिका को यह संदेश भिजवाया कि अमेरिका पाकिस्तान को चीन की ही तरह सीपेक जैसी कोई बड़ी डील देता है तो वो चीन के साथ इस डील को रद्द कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यही बात पहुंच गई चीन तक और यहीं से शुरू हुई इमरान की उल्टी गिनती। इमरान ने यही गलती नहीं की बल्कि कुर्सी संभालने के बाद से वो लगातार सीपेक की ऐसी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं जिनसे चीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दरअसल सीपेक में चीन और पाकिस्तान के बीच लेन देन की शर्तें गुप्त थी। समझौते के मुताबिक पाकिस्तान डील की डिटेल्स किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से साझा नहीं कर सकता था, लेकिन कर्ज के लिए इमरान ने सीपेक की शर्तें आईएमएफ से साझा की। इमरान से चीन की नाराजगी की लिस्ट यही खत्म नहीं होती, इसकी वजह ये तस्वीरें भी हैं। इमरान के कुर्सी पर बैठने के बाद से पाकिस्तान में सीपेक विरोधी प्रदर्शन बढ़ गए हैं, खासकर बलूचिस्तान और सिंध में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी विरोध के चलते ग्वादर में सीपेक का काम शुरू होते ही रोकना पड़ा, क्योंकि यहां मछुआरों ने प्रोजेक्ट पर हमले शुरू कर दिए थे। इसके साथ ही सीपेक विरोधी मोर्चे में सिविल राइट्स कार्यकर्ता और सियासी दल भी आ गए हैं। पिछले साल से सीपेक में काम कर रहे चीनी कर्मचारियों पर हमले शुरू हो चुके हैं। खैबर में 10 चीनी कर्मचारियों का कत्ल किया जा चुका है। इमरान सत्ता में आने से पहले भी कई बार सीपेक विरोधी सुर बुलंद कर चुके थे। हालांकि कुर्सी पर बैठते ही वो सीपेक के गुणगान गाने लगे, लेकिन ये भूल गए कि सीपेक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें अड़चन की कीमत उन्हें कुर्सी देकर चुकानी पड़ी। पाकिस्तान के पॉलिटिकल वॉर के बाद अब जरा पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई का विश्लेषण कर ले, क्योंकि एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।